हेलो एवरीवन, पार्ट नंबर 3 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि ऑफिस में आज एक नए मैनेजर ने ज्वाइनिंग की है। उसका नाम मैनेजर कागामी था और वो बहुत सीनियर था अपनी इस फील्ड में। उसके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स भी थे। बॉस खुद को बहुत लगी समझ रहा था क्योंकि इतने अच्छे मैनेजर ने उनके ऑफिस को ज्वाइन किया था। वो लोग कागामी को फ्यूजी का मैनेजर बना देते हैं। ऑफ कोर्स फ्यूजी उनको साफ इनकार तो नहीं कर सकता था। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं और सजीमा बहुत अच्छे कंपैटिबल जा रहे थे, ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन बॉस का कहना था ये क्रूशियल टाइम है, तुम्हें ऐसा मैनेजर चाहिए जो तुम्हें अच्छे से मार्केट कर सके। और वो ये कहते हैं सजीमा को वो लोग मिस आयुमी के साथ मैनेजर बना रहे हैं। आयुमी वही को स्टार थी जिसका एक्चुअली फ्यूजी पर क्रश था। तो अब नेक्स्ट ही डे से सजीमा जाती है आयुमी के साथ उसके काम पर। वहाँ की सीनियर लेडी उसे सारा काम समझा देती है और कहती है कि आयुमी थोड़ी सी डिफिकल्ट इंसान है, इसलिए हमेशा उसके साथ साथ रहना। अब जब सजीमा सेट पर खड़ी होती है तो उसने अम्ब्रेला ठीक से नहीं पकड़ी हुई थी। इस बात पर आयुमी उसे डांट देती है। अपने सीन का पेज भी उसे स्क्रिप्ट में से निकला हुआ चाहिए था। सजीमा इन चीजों की आदी नहीं थी क्योंकि आयुमी एक बहुत डिफिकल्ट स्टार थी, जबकि उससे पहले फ्यूजी के साथ उसने जो काम किया था वो बहुत पोलाइट था और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी सेट पर। आज उसे आयुमी से इस बात पर भी डांट पड़ जाती है कि वो खाना थोड़ा ज्यादा ही ले आई थी। जबकि उधर कागामी के साथ फ्यूजी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो उसे बहुत सारे कमर्शियल्स भी दिलवाता है और कहता है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू तुम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो। सीनियर मैनेजर ने आज सजीमा को एक ऑर्डर किया था। वो कहती है कि हमें पता है आयुमी एक्चुअली लाइक करती है फ्यूजी को, लेकिन इस समय हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए क्योंकि अभी अभी आयुमी ने अपने करियर में उठना स्टार्ट किया है, इसलिए उस पर नजर रखना। वो आइंदा कभी भी फ्यूजी की प्लेस पर ना जाए। एक एजेंसी के को स्टार्स का आपस में डेट करना एक टैबू समझा जाता था। जबकि उधर कागामी भी फ्यूजी को यही कहता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फ्यूजी इनकार कर देता है कोई भी नहीं। वो कहता है अगर हो भी तो तुमने मुझे बताना है, हमें एक क्लियर इमेज चाहिए अगर तुम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट लेना चाहते हो। इसलिए अगर तुम्हारी लव लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले तुमने मुझे बतानी है क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। उसके बाद जब कागामी वापस ऑफिस में आता है तो सजीमा भी वहीं पर ही बैठी हुई थी। कागामी उसके लिए कॉफी भी लेकर आया था। वो लाते हुए वो थोड़ा सा स्पिल भी कर देता है। लेकिन सजीमा सुंदर भी थी और इसके साथ साथ वो इतनी स्वीट और क्यूट थी कि हमें ऐसा लगता है जैसे कागामी सजीमा को कहीं ना कहीं लाइक करने लगा है। आज ओवर टाइम सिर्फ वही दोनों कर रहे थे तो सजीमा से कागामी फ्यूजी के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है कि वो फ्री डे पर क्या करता है। वो बताती है उसकी सारी रूटीन तो वो हैरान था, मुझे तो सुनकर ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम उसकी बेबी सिटर हो, इतनी बातें डिटेल में कैसे जानती हो। अब वो क्या बताती कि वो रहती ही उसके घर पर है। कागामी काफी सीनियर था तो वो सजीमा को इस काम से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स भी देता है। अब जब सजीमा वापस आती है तो फ्यूजी तो यही सुनना चाहता था कि मैं आयुमी से बेहतर सेलिब्रिटी थी, तुम मेरे साथ काम करते हुए ज्यादा खुश थी। लेकिन वो आगे से कह देती है आयुमी और मैं दोनों ही लड़कियां हैं, हम दोनों अच्छे से चल रहे हैं। अब ये सुनकर फ्यूजी भी उसे कह देता है हाँ हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, कागामी बहुत प्रोफेशनल है। अब सजीमा ने खुद को आयुमी के लिहाज से बदल लिया था। वो हर वक्त उसकी नीड से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाती थी हर उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, और वो सेट पर दिल से उसका इतना ख्याल रखती थी कि अब आयुमी भी बदलने के लिए मजबूर हो गई थी। उसने बहुत दफा देखा था कि वो उसकी खातिर कितना हार्ड वर्क कर रही है ताकि सेट पर उसे बहुत इजी फील हो। आयुमी अब थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि उसने स्ट्रेस में आकर उस पर एक दो दफा गुस्सा किया था, तो अब वो उससे बहुत पोलाइटली बात करने लगती है। यहाँ पर सजीमा ने एक बात नोटिस की थी कि आयुमी को कोई चीज बहुत बॉदर कर रही थी, और वो थी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट। वो शो तो नहीं कराना चाहती थी लेकिन अंदर ही अंदर हेटर से लगे हुए घाव बहुत गहरे होते जा रहे थे। रात को जब सजीमा काम से वापस जा रही होती है तो बिल्डिंग के बाहर उसका आमना सामना कागामी से हो जाता है। वो हैरान था कि ये फ्यूजी की बिल्डिंग में क्या कर रही है। सजीमा ये झूठ बोलती है कि फ्यूजी की कुछ चीजें मेरे पास रह गई थी जो मैं लौटाने आई हूँ। लेकिन कागामी कहता है लेट नाइट हो गई है, वो सो गया होगा, और फिर उसे अपने साथ ही डिनर पर चलने की ऑफर करने लगता है। उस बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसके साथ ही डिनर पर चली जाती है। यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, दोनों एक ही प्रोफेशन से थे। उनके माइंड में यही ख्याल आता कि जैसे हम आम लोगों की तरह किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, सेलिब्रिटीज ऐसा नहीं कर सकते। उनको और तो बहुत सारी खुशियां मिलती हैं लेकिन प्राइवेट लाइफ की खुशी कभी नहीं मिल सकती। अब जब सजीमा वापस आती है तो आगे फ्यूजी सोया भी नहीं था, वो तो जाग रहा था। और जब उसे पता चलता है कि कागामी के साथ डिनर पर गई थी, ये सुनकर वो इतना जेलस होता है कि उसका तो फेस ही रेड हो रहा था, और वो गुस्से में आकर उसे कोई भी बात किए बिना फिर अपने कमरे में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब फ्यूजी शूट पर होता है तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। एक ही सीन को वो बहुत दफा रीटेक कराता है।
यही बात कागामी आकर अपने बॉस से भी शेयर करता है। वो कहता है कि मेरा ख्याल है इसे एक्टिंग की बजाय मॉडलिंग पर, वैरायटी शोज पर और एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सजीमा भी ये सारी बातें सुन रही थी और उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ऑल्दो वो बहुत जूनियर थी लेकिन फिर भी खड़ी होती और कहती है, मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरे ख्याल से फ्यूजी अगर बना है तो सिर्फ एक्टिंग के लिए। उसकी एक्टिंग, उसके झूठ इतने रियल हैं कि मैं उस पर विश्वास कर बैठती हूँ और हर कोई उसके एक्टिंग का ही तो दीवाना है, इसलिए हमें एक्टिंग पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ये बातें उसने इतने दिल से कही थी, इवन के एंड पर एक नारा भी लगा दिया था कि सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाकई इसकी बात में दम ज़रूर है। अब जब सजीमा कर वापस आती है तो वो देखती है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं और साइड पर पड़ा हुआ फ्यूजी, उसे बहुत तेज़ फीवर है। वो चाहती थी कि इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाए लेकिन फ्यूजी कहता है अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम इकट्ठे रहते हैं और बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी बन जाएगी। सजीमा को पता चल गया था कि आज की इसकी एक्टिंग इसलिए अच्छी नहीं गई क्योंकि ये बीमार था। फ्यूजी उसका हाथ पकड़ कर कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे हॉस्पिटल ना भेजो। अब तो तुम दिन में मेरे साथ होती नहीं क्योंकि मेरी मैनेजर नहीं हो, सिर्फ यही रात का थोड़ा सा टाइम होता है, वो मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। अब सजीमा बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है, उसको बहुत फीवर था, वो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी भी बोल रहा होता है और इसी बीच वो उससे कह देता है, आई लव यू सजीमा। सजीमा हंस देती है कि ये फिर से अपने झूठ बोलने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वेल, अब सारी रात उसका ख्याल रखने के बाद अगले दिन वो देखती है कि उसका फीवर डाउन हो गया था, लेकिन सजीमा के खुद के साथ एक गड़बड़ हो गई थी। अयुमी के सेट की टाइमिंग्स चेंज हो गई थी, जो मैसेज वो रात को पढ़ भी नहीं सकी थी। अब बहुत टेंशन बन जाती है, वो अयुमी को कहती है वो टैक्सी लेकर आने लगी थी ताकि वो शूटिंग से लेट ना हो जाए, लेकिन अयुमी जब बाहर निकलती है लोग उसे घेर लेते हैं। उसे लगा था कि हर कोई मुझ पर टॉन्ट कर रहा है, सोशल मीडिया की तरह मुझे बुरा बुरा बोलेगा, और इसी डर से वो वापस अपने अपार्टमेंट में भाग जाती और वहां जाते ही वो बेहोश हो गई थी। जबकि उधर सजीमा को सीनियर मैनेजर से डांट पड़ती है कि तुमने अयुमी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। अब अयुमी को तो एडमिट कर लिया गया था, उसे रेस्ट का कहा गया था, जबकि सजीमा बहुत सॉरी करती है, लेकिन बॉस उसे कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसे ओवरवर्क और स्ट्रेस की वजह से ऐसे हुआ है। डायरेक्ट रीजन तुम नहीं थी इसलिए तुम बच जाती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। रात को जब ये बात फ्यूजी को पता चलती है तो वो सोचता है कि मैंने सजीमा के लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया, क्योंकि सारी रात तो वो मेरे लिए बैठी रही थी, ना तो मुझे फीवर होता, ना मैं उसे रोकता और ना ही उसे जॉब पर कोई मसला होता। वेल, थोड़े दिनों में अयुमी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नजर नहीं आ रही थी। उसे पता चलता है कि उसके एक ही दिन में 10 सीन शूट होने हैं, क्योंकि उन्होंने शूटिंग को वाइंड अप करना था, सिर्फ उसी का वेट चल रहा था। उधर कागामी तो फ्यूजी को फुल ऑन काम दिलाया जा रहा था और फ्यूजी अब अपनी एजेंसी का टॉप अर्निंग स्टार बन चुका था। कागामी बताता है कि तुम्हें तो मैं एक्टिंग से थोड़ा पीछे रखना चाहता था, लेकिन उस दिन सजीमा ने ये बात सुनकर तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मुझे अपना माइंड चेंज करना पड़ा, और जब भी वो सजीमा का जिक्र करता था उसकी आंखें चमकने लगती थी। ये बात फ्यूजी ने नोटिस कर ली थी और उसे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि कागामी उसे लाइक करने लगा है। अयुमी अपने सेट पर पहुंची हुई होती है, 10 के 10 सीन वो शूट करा लेती है और अपना बेस्ट देती है। इन दी एंड जब वो लोग उसे हार्ड वर्क पर बुके दे रहे होते थे शूटिंग के एंड पर, तो वो अनाउंस करती है कि आज के दिन मैं अपने एक्टिंग कैरियर से रिटायरमेंट ले रही हूँ। ये सुनकर हर कोई शॉक्ड था, इवन कि उसके मैनेजर्स को भी ये बात पता ही नहीं थी। अब अगर शामत आती है तो उसकी एजेंसी की, जिसको मीडिया वालों ने क्वेश्चन कर करके परेशान किया हुआ था। मैनेजर्स परेशान थे कि उसको इतनी अगर ट्रबल चल रही थी तो उसने हमसे क्यों कभी शेयर नहीं की। सजीमा बताती है उसको और कोई मसला नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया हेटर्स से वो बहुत परेशान दिखती थी। वेल, अयुमी ने जो फैसला ले लिया था वो उसका पर्सनल डिसीजन था। अब सजीमा उससे मिलने के लिए जाती है। अयुमी उसका थैंक्स करती है और उससे एक रिक्वेस्ट करने लगती है कि अब हम दोनों तो अलग हो रहे हैं, कोवर्कर्स नहीं रहेंगे, तो मेरी एक लास्ट विश है, क्या तुम वो पूरी कर सकोगी? वो विश क्या है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। उधर सेट पर कागामी फ्यूजी से पूछ रहा था कि मैंने सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम एक वुमेनाइजर हो, लेकिन जब से मैं तुम्हारे से कनेक्ट हूँ मैं तुम्हारे आसपास कोई लड़की नहीं देखी। फ्यूजी का कहना था कि हाँ मैं था इस टाइप का लड़का, लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन जिसे मैं लाइक करता हूँ, जिसे मैं दिल दे बैठा हूँ, उसे डेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं अपनी पर्सनल अफेयर्स को खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब कागामी ये बात सुनने के बाद ऑफिस में आता है और सजीमा से कहता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा फ्यूजी अयुमी को लाइक करता है। आज उसने कहा कि मैं ऐसी लड़की को लाइक करता हूँ जिसे डेट करना मुश्किल है, और अयुमी ही तो उसकी को स्टार है, और अयुमी ने लगता है इसीलिए रिटायरमेंट ली है ताकि वो हमारी एजेंसी से निकल जाए और उसके बाद वो आसानी से फ्यूजी को डेट कर सके।
और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं साजिमा को आयुमी ने यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं अकेले में एक दफा फ्यूजी से मिलना चाहती हूँ, एक ऐसी जगह डिनर अरेंज कर दो जहाँ पर मैं और वो और कोई भी ना। साजिमा जब अपनी फ्रेंड से भी मिलने के लिए जाती और वो फ्रेंड भी यही बातें कर रही थी, हर जगह गॉसिप्स थी कि जैसे आयुमी और फ्यूजी का कपल बनने वाला है। लोग उन दोनों को इकट्ठे देखना पसंद करते थे, उनका एक ड्रामा भी हिट गया था। तो साजिमा भी इसी एंगल से सोचने लगती है कि जब लोग उनको इकट्ठे देखना चाहते हैं तो क्यों ना उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। वेल, अब वो फ्यूजी को अपने साथ एक जगह डिनर कराने के लिए लेकर जाती है, लेकिन अंदर उसका वेट कर रही थी आयुमी, और ये सरप्राइज था फ्यूजी के लिए। लेकिन वो इस सरप्राइज से बिल्कुल खुश नहीं था, वो तो शॉक्ड नजर आ रहा था। अब उन दोनों को अकेला छोड़कर साजिमा बाहर चली जाती है। अंदर ही अंदर वो फ्यूजी के लिए फीलिंग्स रखती थी, लेकिन बस वो शांत रहती है। उनको वहां छोड़ने के बाद जब वो ऑफिस में वापस आती है तो वो देखती है कि सीनियर मैनेजर ने अपना रोना धोना स्टार्ट किया हुआ है। आयुमी के जाने के बाद वो डिसहार्ट हो गई थी, उसे लगा था कि ये सब उसकी गलती है कि उसने स्टाफ को अच्छे से हैंडल नहीं किया। वो डिसअपॉइंट होकर अपना रेजिग्नेशन देकर वहां से निकल जाती है। अब ऑफिस में इतनी सारी टेंशन सारा दिन देखने के बाद साजिमा जब घर वापस लौटती है तो थोड़ी देर बाद फ्यूजी भी वहां आ गया था, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। साजिमा ने आज पहली दफा उससे झूठ बोला था, लेकिन इसने उसको बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो कहता है, तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में समझती क्या हो? एक्चुअली आयुमी उससे अपने प्यार का इजहार करती रही थी, लेकिन फ्यूजी उसे लाइक नहीं करता था, लेकिन फ्यूजी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। फ्यूजी साजिमा पर गुस्सा करता है कि मैं तो तुमसे झूठ बोलता था, आज तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया। तुम बताओ, अगर किसी इंसान को तुम लाइक करती हो और वही किसी और से तुम्हारा कपल और मैच मेकिंग करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और ये बात कहते ही वो उसको किस कर लेता है। साजिमा को फिर से लगा था कि ये सब कुछ झूठ है और उसकी एक एक्टिंग है, लेकिन फ्यूजी अब की बार सीरियस था और वो ये कहता हुआ वहां से चला जाता है कि तुम सच और झूठ में, एक्टिंग में और रियलिटी में फर्क करना तो सीखो। अब साजिमा को वाकई लगने लगा था कि ये सचमुच में उससे प्यार करता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।